दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आप लोग पूरा नहीं देखते हैं तो हमारा मनोबल घटता जाता है, प्लीज़ पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं इस समय त्रिवेणी हनुमान मंदिर पर और यहां पर मंदिर बहुत बड़ा है। आइए चलिए आपको दिखाते हैं और यहां का नज़ारा कितना अच्छा और कितना बड़ा मूर्ति यहां पर बना हुआ है। तब तक देखते रहिए हमारे साथ। ये बड़खल में है और बड़खल फरीदाबाद में, ये पहाड़ियों में पड़ता है। यहाँ का बहुत अच्छा नज़ारा है, तो देखते रहिए हमारे साथ। आगे दिखाते हैं आपको यहाँ का हर एक नज़ारा बारीकी से। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 1976 ईस्वी में किया गया था और ये पहले बहुत छोटा मंदिर था। इस मंदिर के बनाने के पीछे मेन वजह था यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाएँ, आपत्तिजनक घटनाएँ और भी बहुत कुछ ऐसी घटनाएँ होती थी जो अनसुनी थी। मंदिर को बनाने के बाद यहाँ पर जो आए दिन घटनाएं घटती थी उसमें रोकथाम हो गया और यहाँ पर काफ़ी दिनों तक ये घटनाएं सीमित हो गई और अभी भी सीमित ही हैं। मंदिर के अंदर पहुँचने से पहले गेट के बगल में ही यहाँ शनि भगवान का भी मंदिर है और उनके जस्ट मुख्य गेट के जस्ट बगल में हनुमान जी का भी एक मंदिर बना हुआ है। अंदर जाने के बाद वहाँ पर नौ ग्रहों का भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो नौ ग्रह हैं और ये बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। ऐसी मंदिर हर जगह नहीं मिलती जहाँ पर एक साथ ये सारी मूर्तियाँ रखी हों। फिर अंदर जाने के बाद हमें बाबा तेज राम दास का दर्शन होता है, जो उनकी समाधि है। इनके ही नेतृत्व में इस मंदिर का निर्माण 1976 में शुरू किया गया था और अंदर जाने के बाद वहाँ पर शंकर भगवान का शिवलिंग और उनके पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है। और पूरा अंदर जाने के बाद वहाँ पर एक हनुमान जी का मूर्ति और बना हुआ है, जो बहुत ही मनमोहक लगता है। यहाँ पर वैष्णो माता का भी, दुर्गा माँ नौ दुर्गा माँ का भी मंदिर है, जो बहुत ही आकर्षक लगता है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपको जब भी टाइम मिले यहाँ पर ज़रूर घूमें। मंदिर का डिज़ाइन का काम अभी भी चल रहा है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर बाहर निकल के जाने के बाद ही हनुमान जी का दर्शन होता है और मंदिर के अंदर से भी एक रास्ता बना हुआ है जो सीधे हनुमान जी के प्रतिमा के तरफ ले जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा 108 फीट ऊंची बनाई गई है, जो भारत का बैठी हुई मूर्तियों में सबसे ऊंचा स्थान है। इस मूर्ति को बनाने वाले जो कारीगर थे वो राजस्थान के रहने वाले थे, उन्होंने इस मूर्ति को बनाया और बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाया, जो बहुत ही आकर्षक और मनमोहक लगती है देखने में। तो दोस्तों, अभी आप देखे हैं त्रिवेणी हनुमान मंदिर का दर्शन। आगे भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको हनुमान जी कैसे लगे। दोस्तों, इस मूर्ति का निर्माण 2011 से शुरू हुआ था, जो संपन्न हुआ 2019 में। और यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी जब भी यहाँ पर आए तो एक बार ज़रूर घूमें। हेलो दोस्तों, तो अभी आपने देखा त्रिवेणी में जो हनुमान मंदिर बना हुआ है, हनुमान जी का मूर्ति बहुत बड़ा है यहाँ पर और देखने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के आने के बाद। और अगर आप जब भी फरीदाबाद में आएँ तो एक बार यहाँ पर ज़रूर दर्शन करने आएँ। ये बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत बड़ा मूर्ति है यहाँ पर हनुमान जी का। ये पहाड़ी इलाका भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, गुड़गांव रोड पर ये पड़ता है मंदिर। आगे भी और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हनुमान जी का मूर्ति कैसा लगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए सन्नी मणि ब्लॉग। ओके, बाय दोस्तों।